हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक फ़ोटोग्राफी ऐप्स के बारे में, जिसको आप यूज़ करके मोबाइल कैमरे से खींची हुई फ़ोटो को एकदम DSLR कैमरे के फ़ोटो जैसा ब्लर और इफेक्ट डाल सकते हो। चलो, मैं पहले से कुछ फ़ोटो एडिट करके रखा हूँ, चलो गैलरी में जाते हैं। देखो, ये फ़ोटो में पहला वाला फ़ोटो है, और एडिट करने के बाद ऐसा मैं ब्लर यूज़ कर पाया हूँ। और एक फ़ोटो को देख लेते हैं, ये पहला वाला फ़ोटो है, और उसके बाद मैं ऐसा ब्लर यूज़ कर पाया हूँ। ये ब्लर मैं कैसे यूज़ किया, कौन सा ऐप्स में यूज़ किया, वो आप जान पाओगे आखिर तक। ये वीडियो आप देखते रहिए। ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर खुलो और आफ्टर फोकस से आप सर्च करो, डाउनलोड कर सकते हो। और भी मैं इस ऐप के लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। चलो इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं। इसका 10 मिलियन डाउनलोड्स है, 4.2 रेटिंग्स भी है, और ये फोटोग्राफी ऐप्स है। जब तक डाउनलोड हो रही है, तब तक मैं कुछ बात बता दूं। हमारा चैनल टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट एंड डू इट योरसेल्फ गैजेट्स का कंटेंट से बना है, और भी इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। इस सभी के बारे में आप जानना चाहते हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंस्टॉल हो रहा है, आफ्टर फोकस ऐप्स इंस्टॉल हो चुके हैं। चलो आफ्टर फोकस ऐप से एक फ़ोटो को एडिट करके देख लेते हैं। आफ्टर फोकस ऐप्स को खोलो, देखो आप कैमरा और एल्बम दो ऑप्शन मिल जाता है। कैमरा में आप डायरेक्ट फ़ोटो खींच करके भी आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, और एल्बम से भी आप फ़ोटो को डायरेक्ट चूज़ करके आप एडिट कर सकते हो। चलो एल्बम से मैं एक फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूँ। अब गैलरी में जाइए और एक फ़ोटो को चूज़ कर लीजिए। देखो मैं एक फ़ोटो को चूज़ किया, और साथ ही साथ आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, स्मार्ट और मैनुअल। चाहो तो स्मार्ट भी यूज़ कर सकते हो, मैनुअल भी यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट थोड़ा ईजी है, चलो मैं स्मार्ट को कंटिन्यू करता हूँ। और कंटिन्यू करके साथ साथ आपको ऑप्शन मिल जाता है, चलो मैं काट काट देता हूँ। मैं यहाँ फ़ोटो में ब्लर यूज़ करूँगा, चलो देख लेते हैं ब्लर कैसे यूज़ होता है फ़ोटो में। पहला ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो, और जिस सब्जेक्ट में आप फोकस रखना चाहते हो वो सब्जेक्ट आप ये वाइट पेन से आप ड्रॉ कर दो। देखो मैं ये फूल में फोकस रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वाइट पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ड्रॉ कर दो, देखो पूरा एरिया रेड हो गया, इसका मतलब पूरा एरिया फोकस में आ गया। वो उसके बाद ए ऑप्शन सिलेक्ट कर लो और ब्लैक पेन से ड्रॉ कर दो। देखो ये रेड एरिया हट जाता है, इसका मतलब इस एरिया में आप ब्लड यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ में फूल थोड़ा बाकी रह गया, आप यहाँ में और एक बार वाइट पेन से आप ड्रॉ कर दो। देखो फोकस आ गया, देखो यहाँ पर थोड़ी और आ गया, ब्लैक पेन यूज़ करके काट दो, कट गया और यहाँ में भी आ गया, चला गया। इस तरह आप इस तरह से ड्रॉ करके आप फोकस और ब्लर यूज़ कर सकते हो। मैं सिर्फ फूल को फोकस में रखकर बाकी एरिया में ब्लर कर दिया। चलो इसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप ब्लर आ गया, देखो आप ब्लर आ गया, ब्लर आप बड़ा बढ़ा सकते हो और आप कम कर भी सकते हो। लेंस ब्लर है, मोशन ब्लर है, जूम ब्लर है, आप जिसमें आप यूज़ करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं लेंस ब्लर में ही रहने देता हूँ। इस तरह इस फोटो एडिटर में और भी फोटो एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि एपर्चर है, इसमें फेडिंग वीजी भी है। फेडिंग वीजी आप नेचुरली यूज़ करोगे तो नीचे से थोड़ा फेड हो जाएगा। आप मैनुअली भी इसको यूज़ कर सकते हो, ये वर्टिकल आप यूज़ कर सकते हो, आपके हिसाब से छोटा बड़ा करके आप यूज़ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल आप यूज़ कर सकते हो। मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा, आपको जस्ट दिखा देता हूँ। आप फिल्टर यूज़ कर सकते हो, यहाँ में ब्राइटनेस आप यूज़ कर सकते हो, बड़ा कम कर सकते हो ब्राइटनेस, आप कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर सकते हो। अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ में जो फिल्टर्स दिया गया है, आप ये फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो, ये फोरग्राउंड आप यूज़ कर सकते हो फिल्टर्स, आप चाहो तो बैकग्राउंड में भी आप ये फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो पूरा होल पूरा फोटो में आप ये फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो। अभी मैं फिल्टर यूज़ नहीं करूँगा। चलो इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं। ये ऑप्शंस आप जब बड़ा करोगे तो साइड में से थोड़ा डार्क आ जाएगा, फ़ोटो को अच्छे से दिखने को मिल जाता है।
उसके बाद मैं यूज़ नहीं करूँगा। उसके बाद आप कलर मार्क्स यूज़ कर सकते हो। देखो बैकग्राउंड में कलर चेंजेस हो गया, बैकग्राउंड में ब्लैक एंड वाइट आ गया और सब्जेक्ट में कलर रहेगा। उसके बाद आप स्टिकर भी यूज़ कर सकते हो। देखो ये थोड़ा स्टिकर जैसा दिख रहा है, मैं स्टिकर यूज़ नहीं करूँगा। और आप ये फ़ोटो में बहुत सारा शार्प भी दे सकते हो, बहुत क्वालिटी अच्छा हो जाता है, फाइन भी हो जाता है। मैं अभी शार्पन नहीं यूज़ करूँगा। उसके बाद आप बहुत सारा इसी तरह आप एडिटर आप पा सकते हो। उसके बाद आप सेव करना चाहते हो तो ये फ़ोटो को गैलरी में सेव कर सकते हो। इस तरह से आप यस कर दो और देखो प्रिपेयरिंग हो रहा है और ये गैलरी में सेव हो गया परमानेंटली। और ये वीडियो आपका पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और ये वीडियो में मेरा कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और ये वीडियो अपना दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा चैनल में आप इसी तरह बहुत सारा वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपके लिए यहीं तक, बाय बाय।